तो वहीं पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने भी इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है बातचीत में, सुनिए। कल भी हमने देखा लगातार मंथन चला, दूसरे दौर का दिन है, किस तरह से देखते हैं आज का दिन और क्या कुछ रहने वाला? हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है सबसे पहले हमारा ग्राउंड लेवल से मंडल लेवल से जो है वो रायशुमारी की जाती है। वहाँ से हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं और जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं वहाँ से उनसे पूरा विचार विमर्श करने के बाद जो है, और फिर उसके बाद हमारा जो प्रदेश में जो हमारी चुनाव समिति है उसके अंदर इसको विस्तार से एक एक टिकट के ऊपर जो है वो डिस्कशन होता है, सभी कैंडिडेट्स जो हैं उसके बारे में पूरा विस्तार से डिस्कशन होता है, और उसके बाद फिर जो है जो केंद्रीय कार्यालय में हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है उसके पास ये जाता है और वहाँ से जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है। जो इस बार लोकसभा चुनाव हार गए थे, क्योंकि 5 टिकटें इस बार आप हारे हैं, क्या उनको भी मौका दिया जा सकता है इस तरह की बैठक में भी? देखिए, बहुत से समीकरणों को ध्यान में रख के जो है कहाँ पर जो है सबसे अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हमारा के वो विनेबिलिटी भी हो, जिसके अंदर के हमारा जिताऊ कैंडिडेट हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो निर्णय लिया जाता है। सिरसा से आप प्रबल दावेदार थे और सांसद भी थे, लेकिन आपके टिकट काट दी पाई, आपको क्या लगता है कि फिर दोबारा से वो ना हो, और इस पर क्या कुछ अंदर मंथन चलता है इस चुनाव समिति की? देखिए, टिकट का निर्णय लेने के बाद हार जीत जो है वो पार्टीज में चलती रहती है, और उसके बाद जो है वो समीक्षा बैठक होती है, समीक्षा के अंदर विश्लेषण होता है कि कहाँ पर क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, क्या हमारे नेगेटिव पॉइंट्स रहे, जहाँ पर हमारे पॉजिटिव पॉइंट रहे उनको और सुदृढ़ किया जाता है, और जहाँ पर हमारे नेगेटिव पॉइंट रहे उनको जो है वो ठीक किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हम जो हमारा जो पास्ट है हम उससे सीखेंगे और हमारा भविष्य अच्छा हो, और फिर से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जनता पार्टी की सरकार बने, यही हमारी कोशिश है। लास्ट सवाल लेते हैं मैडम, सिरसा से, क्योंकि आप चुनाव भी लड़े थे और सांसद भी रहे थे सिरसा से, आजकल सिरसा लोकसभा सीट पर काफी चर्चा चल रही है, इधर से आप देख रहे हैं कि रानिया जो सीट है सिरसा लोकसभा में जो आती है उस पर रंजीत सिंह चौटाला और गोपाल कांडा हलो में फिलहाल।